नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं, अन्य अवस्थाएं, जिसमें प्लाज्मा अवस्था इसकी चौथी अवस्था है और पांचवी अवस्था है BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। सबसे पहले हम चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा अवस्था यह अवस्था ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं के बिल्कुल विपरीत चलने वाली अवस्था है, लेकिन कहा जाता है कि आंशिक रूप से यह आयनीकृत गैसीय अवस्था है। आंशिक रूप से आयनीकृत गैसीय अवस्था है, यह अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था है। और इसके अलावा देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि यह एक ऐसी अवस्था है जो आयनीकृत गैसीय अवस्था है। ठोस, द्रव, गैस जो सामान्य अवस्था हमने पढ़ी थी उनके बिल्कुल विपरीत चलने वाली अवस्था है। विलियम क्रूक ने इसे चमकीले पदार्थ के नाम से भी इसको जाना। विलियम क्रूक ने चमकीला पदार्थ भी इसको कहा था इस अवस्था को। और यह अवस्था आकाशीय तारों में पाई जाती है, आकाशीय तारों में यह पाई जाती है। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि यह पदार्थ की जो है चौथी अवस्था है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। BEC पूरा नाम है इसका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसके अलावा देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि इसे सामान्य गैस जो होता है उस सामान्य गैस से इसको तैयार किया गया है, लेकिन सामान्य गैस के 1/1000वें भाग जितने घनत्व वाली गैस से इसको तैयार किया गया है। ठीक है, जैसे बोसोन की तनु गैस है, डाइल्यूट गैस होती है, उस डाइल्यूट गैस को ठंडा किया जाता है पहले। ठीक है, ठंडा करने के बाद यह क्या हो जाती है, संघनित होकर यह जो है BEC में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से जो है BEC का निर्माण होता है। बोसोन की तनु गैस होती है, डाइल्यूट गैस है, उसको पहले ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पर यह क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाता है, जिससे क्या है BEC का निर्माण होता है। तो ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इस प्रकार हम पदार्थ की दो अन्य अवस्थाओं पर बात करते हैं, जिसमें प्लाज्मा अवस्था BEC। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था के बारे में हमने देख लिया, यह आकाशीय तारों में पाई जाती है, और यह अवस्था जो है BEC ये पांचवी अवस्था है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है घनत्व, डेंसिटी डी। घनत्व क्या है, घनत्व किसे कहते हैं? पदार्थ का एक मुख्य
गुण हैं घनत्व का उनमें पाया जाना, हम ये कहेंगे सबसे पहले प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित द्रव्यमान को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित द्रव्यमान को, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित द्रव्यमान को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जैसे घनत्व बराबर, घनत्व डेंसिटी बराबर द्रव्यमान m, मास बटे आयतन वॉल्यूम, आयतन v, इस तरीके से जो है ये, यहां ध्यान दें द्रव्यमान जो है वो घनत्व के समानुपात में है और आयतन जो है वो घनत्व के क्या है, व्युत्क्रमानुपात में है। तो द्रव्यमान किसी भी वस्तु का जितना ज्यादा होगा उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। जैसे ठोस पदार्थ है तो उनका द्रव्यमान द्रव और गैस की अपेक्षा देखा जाए तो ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे उनका घनत्व भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अतः घनत्व का अगर बढ़ता हुआ क्रम देखें तो हम इस तरीके से देखेंगे गैस, द्रव और ठोस, यानी ठोस पदार्थों का ये घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम, घनत्व का बढ़ता क्रम। इस तरीके से घनत्व जो है इनका सबसे ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, जबकि इसका द्रव्यमान कम है सबसे, इसलिए इनका घनत्व सबसे कम होता है गैस का, ठीक है, जबकि ठोसों का सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला है विसरण, डिफ्यूजन, विसरण, ठीक है। यह गुण जो है मुख्यतः तो देखे तो द्रव व गैस के पदार्थों में पाया जाता है, तो हम ये लिखेंगे कि द्रव व गैसीय पदार्थ के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, ध्यान दें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, की ओर गमन होना विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। ध्यान दें द्रव व गैसीय पदार्थ के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होना डिफ्यूजन कहलाता है, विसरण कहलाता है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, विसरण की अगर का दर का क्रम देखें तो हम ये कहेंगे कि विसरण की दर का बढ़ता हुआ क्रम जो है वो ठोस, इसके बाद में द्रव और इसके बाद में गैस, यानी ये विसरण की दर का, विसरण की दर का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, विसरण की दर का बढ़ता हुआ क्रम जो है वो इस तरीके से, गैसों में सबसे ज्यादा विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने किसी कमरे के एक कॉर्नर पर चिमनी जलाई और चिमनी से निकलने वाला धुआं यह पूरे कमरे में तब तक फैलता जाएगा जब तक संपूर्ण कमरे में कणों की सांद्रता बराबर न हो जावे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इसका विसरण संपूर्ण कमरे में जो कि होता जाएगा और यह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें गुण होता है, द्रवों में भी यह गुण पाया जाता है, गैसों में भी पाया जाता है, द्रव और गैस पदार्थ के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होना विसरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है एलपीजी व सीएनजी में अंतर, द डिफरेंस बिटवीन एलपीजी एंड सीएनजी।
एलपीजी व सीएनजी में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर है इसको पढ़ेंगे। एलपीजी और सीएनजी एक तरफ ले लेते हैं एलपीजी और दूसरी तरफ अपन ले लेते हैं सीएनजी। सीएनजी सबसे पहले अपन बात करेंगे एलपीजी के बारे में। एलपीजी इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ध्यान दें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम है, जबकि इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवीकृत या द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये इसका हिंदी में नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जबकि इसका नाम जो है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्यान दें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जबकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस जो होती है ना उसको संपीड़ित करके बनाया गया है सीएनजी को। सीएनजी जो होती है इनमें प्राकृतिक गैस जैसे मेथेन है, एथेन है, इनको संपीड़ित करके इनको बनाया जाता है। इसमें मुख्य घटक जो होता है एलपीजी के अंदर वो होता है एलपीजी में प्रोपेन व इसके अलावा ब्यूटेन, ये इसमें मुख्य घटक होते हैं। लगभग 95% इसमें होता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें प्रोपिलीन है, ब्यूटिलीन है, आइसोब्यूटिलीन भी इसमें 4-5% पाई जाती है टोटल 100% कंटेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेन घटक है वो ये होते हैं प्रोपेन व ब्यूटेन, इसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अलावा इसमें जो मुख्य घटक होता है वो होता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी, जैसे मेथेन है CH4 मेथेन, ठीक है। और इसके अलावा इसमें होता है एथेन यानी C2H6 एथेन, ये दो इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है, मेथेन और एथेन ये इसमें पाई जाती है। इन दोनों गैसों को, इसके अलावा कुछ और भी हाइड्रोकार्बन होती है, प्रोपेन की भी थोड़ी बहुत मात्रा होती है, इनको संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित करके जो है सीएनजी का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह रंगहीन व गंधहीन गैस है। रंगहीन होती है और साथ में गंधहीन गैस है, लेकिन यह भी रंगहीन और गंधहीन गैस है, रंगहीन व गंधहीन गैस होती है ये भी, ध्यान दें ये भी रंगहीन और गंधहीन गैस है, जबकि यह भी रंगहीन और, लेकिन इसमें ध्यान देना अगर एलपीजी का रिसाव हो जाता है तो ना तो उसकी स्मेल आती है ना उसका कोई कलर है, तो हम पता कैसे करेंगे, इसलिए इसमें जो है एक गंधनुमा पदार्थ मिला दिया जाता है एथिल मरकैप्टेन का, ठीक है। जो इसकी स्मेल आती है ना एलपीजी रिसाव के दौरान वो एथिल मरकैप्टेन की होती है, तो एथिल मरकैप्टेन C2H5SH एथिल मरकैप्टेन इसके अंदर मिला दिया जाता है, ठीक है। एथिल मरकैप्टेन इसके अंदर मिला देते हैं जिससे इसकी जो है गंध का आभास ये कराती है, बल्कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका उपयोग जो होता है, यूज जो होता है ना इसका वो कहां पर होता है, घरेलू ईंधन में इसको उपयोग में लाते हैं, घरेलू ईंधन, ठीक है ना, घरेलू ईंधन में इसको यूज लिया जाता है। लेकिन इसका उपयोग जो होता है सीएनजी का जो उपयोग होता है यह जो है वाहनों के ईंधन के रूप में इसको उपयोग में लाया जाता है, वाहनों के ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है, वाहनों के ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं।
एक बात और बता देता हूँ, यह जो है पेट्रोल और डीजल से काफ़ी सस्ती भी है, कम खर्चीली होती है और कम एयर पोल्यूशन करती है, ठीक है ना, वायु में प्रदूषण भी कम करने वाली है। तो इस तरीके से सीएनजी का उपयोग इन दोनों में ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन डीजल और पेट्रोल से काफ़ी सस्ती भी है, ठीक है। तो ये एलपीजी और सीएनजी के बारे में है। नेक्स्ट कर लेंगे।